जय हिंद। नमस्कार मेरे सैन्य लाडो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और कॉल आ रहे हैं कि सर आज 11 तारीख हो गई है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, क्योंकि आप सभी को जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया था, उसके अनुसार 15/4 से आपके फिजिकल शुरू होने हैं, तो क्या ये पोस्टपोन होंगे? तो जहां तक अब लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल की डेट पोस्टपोन हो सकती है। अब होगी कितनी वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 27/4 जो तारीख दी है वो स्कोर कार्ड के लिए दी है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्कोर कार्ड से पहले कभी भी फिजिकल हुआ है, ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 तारीख फिजिकल की डेट दे दी और 27 तारीख स्कोर कार्ड के लिए डेट दी है। तो जिस हिसाब से रिजल्ट भी लेट हुआ है काफी और एडमिट कार्ड भी अभी तक किसी भी वेबसाइट पर जारी नहीं हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 15 तारीख का जो फिजिकल है ये अब मुश्किल नजर आ रहा है कि आपका 15 तारीख का फिजिकल होगा। ठीक है लाडलो, तो जो जिन भी बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई में नाम आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे, तो अगर लाडलो एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं आ रही है और आपका अगर नाम आ गया है, आपको तैयारी करनी है। रनिंग घर पे कैसे करें इसके लिए भी बता दूं आपको, हर रोज कम से कम 20 किलोमीटर रनिंग करनी है। और आप सभी के लिए जो फिजिकल वाले बच्चे हैं, इन सभी के लिए आपको पता है अकेडमी में हमारा ऐसा कोई बेच नहीं चलता, लेकिन स्पेशली मैंने 15 दिन का भी बेच चेक कर दिया है कि किसी बच्चे के ज्यादा पैसे ना लगे। अगर वो 15 दिन के लिए आना चाहता है तो भी वो अकेडमी आ सकता है। जिस बच्चे की टाइमिंग मान लीजिए 30 मिनट आ रही है, 32 मिनट आ रही है या 28 मिनट आ रही है, क्योंकि जिस बच्चे की 26 मिनट आ रही है या उससे नीचे आ रही है तो वो कवर कर सकता है, तो आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन जिनकी टाइमिंग अच्छी नहीं आ रही, उनको लगता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो आपको देर नहीं करनी है। फिजिकल अगर आपको वैसे 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा कि कितना पोस्टपोन हुआ है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 10 दिन 15 दिन के लिए भी आना चाहो तो अकेडमी आ सकते हो। ये सिर्फ बैच मैंने आप सबकी भलाई के लिए चलाया, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फिजिकल के लिए आए जो टाइमिंग में आता है, जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है वो बच्चा आ सकता है, क्योंकि यहां पर ऐसा होगा कि आप एक साथ जब बच्चे रनिंग करते हैं तो फायदा मिल जाता है। अब जो आपका मेन क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, देखिए एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि वैसे आज ही है 11/4, ठीक है, आज ही एडमिट कार्ड जारी होने चाहिए। अगर आज शाम तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपका 15/4 से फिजिकल होगा, किसी भी कंडीशन में बाद में संभव नहीं है अगर आज शाम तक आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं लाडलो। ठीक है, तो वेट करते हैं आज दिन भर कि आपके एडमिट कार्ड जारी से संबंधित कोई अपडेट आती है एसएससी की वेबसाइट पर या नहीं आती है। अगर नहीं आती तो ये मान के चलना फिर 15 तारीख से फिजिकल नहीं होगा, अगर आती है तो इसका मतलब है कि आपका 15 तारीख से अभी भी फिजिकल हो सकता है। तो आपको रनिंग करते रहना है, दोनों वक्त रनिंग जा सकते हो। जिन बच्चों की टाइमिंग आ रही है उनको एक वक्त करनी है, जिन बच्चों की टाइमिंग नहीं आ रही उनको 2 वक्त फिजिकल जाना है। थोड़ा डाइट पर ध्यान देना, वजन कम करना है ताकि जल्दी आपकी टाइमिंग आ सके। ठीक है, पेट की ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, पैरों को बचा के रखना चोट वोट से। ठीक है, सड़क पर दौड़ सकते हैं आप, लेकिन उबड़ खाबड़ जगह पे ना दौड़े। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।